हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग एफएस में। आज का हमारा सेशन है सिनोनिम्स और इसका है सेट नंबर 3। तो शुरू करते हैं। कलर एनेक्स, इसके ऑप्शन दिए गए हैं ऐड, लो, कॉपी और इनिशियल। एनेक्स का मतलब होता है जोड़ना या शामिल करना, ऐड का मतलब जोड़ना, लो का मतलब कम, कॉपी का मतलब नकल या प्रतिलिपि और इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक या अपूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐड जोड़ना। अगला वर्ड दिया गया है सॉल्ट्री, इसके ऑप्शन दिए गए हैं विकिड, कोल्ड, हॉट एंड ह्यूमिड और सीक्रेटिव। सॉल्ट्री का मतलब होता है उमसदार या गर्म, विकिड का मतलब होता है शैतान या दुष्ट, कोल्ड का मतलब ठंडा या सर्दी, हॉट एंड ह्यूमिड का मतलब होता है गर्म और उमसदार और सीक्रेटिव का मतलब होता है गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और उमसदार। अगला वर्ड हमको दिया गया है फ्रेंटिक, इसके ऑप्शन दिए गए हैं अर्जेंट, एक्साइटेड, नोवल और पेनफुल। फ्रेंटिक का मतलब होता है उत्तेजित या पागल, अर्जेंट का मतलब होता है शीघ्र या तुरंत, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित, नोवल का मतलब उपन्यास या कहानी और पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्साइटेड, उत्तेजित। अगला वर्ड दिया गया है प्रेडिक्ट, इसका ऑप्शन दिया गया है लर्निड, इंडिकेशन, मिसरूल, फोरटेल। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, लर्निड का मतलब शिक्षित या विद्वान, इंडिकेशन का मतलब होता है सूचना, मिसरूल का मतलब बुरा शासन, फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो इसका आंसर हो जाएगा फोरटेल, भविष्यवाणी करना। अगला हमें वर्ड दिया गया है डॉडल, इसके ऑप्शन दिए गए हैं एसिड, लॉइटर, रिकनसाइडर और इरेवलेंट। डॉडल का मतलब होता है समय नष्ट करना, एसिड का मतलब होता है निर्धारित करना, लॉइटर का मतलब होता है देर करना या समय नष्ट करना, रिकनसाइडर का मतलब होता है पुनर्विचार करना या फिर से विचार करना और इरेवलेंट का मतलब होता है बेजोड़ या व्यर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉइटर, देर करना या समय नष्ट करना। अगला वर्ड हमें दिया गया है पर्सनेबल, इसके ऑप्शन दिए गए हैं सेल्फ सेंट्रल, इंटीमेट, अट्रैक्टिव और सेंसिटिव। पर्सनेबल का मतलब होता है आकर्षक, सेल्फ सेंट्रल का मतलब होता है आत्म केंद्रित, इंटीमेट का मतलब होता है सूचित करना, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक और इनसेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील या कोमल। तो इसका आंसर हो जाएगा अट्रैक्टिव, आकर्षक। अगला हमको वर्ड दिया गया है एविगेशन, इसके ऑप्शन दिए गए हैं सेल्फ डिनाइल, सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ प्रेस, सेल्फ क्रिटिज्म। एविगेशन का मतलब होता है आत्मत्याग, सेल्फ डिनाइल का मतलब होता है आत्मत्याग, सेल्फ सेक्रीफाइस का मतलब भी आत्मत्याग या आत्म बलिदान, सेल्फ प्रेस का मतलब होता है आत्म प्रशंसा, सेल्फ क्रिटिज्म का मतलब होता है आत्म आलोचना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ डिनाइल, आत्मत्याग। अगला हमें वर्ड दिया गया है स्पेक्टिकल, इसके ऑप्शन दिए गए हैं पेजेंट, शो, मिस्टिफिकेशन और पैनोरमा। स्पेक्टिकल का मतलब होता है तमाशा, पेजेंट का मतलब तमाशा, शो का मतलब दिखाना या प्रदर्शित करना, मिस्टिफिकेशन का मतलब होता है रहस्यवाद और पैनोरमा का मतलब होता है चित्रमाला। तो इसका आंसर हो जाएगा पेजेंट, तमाशा। अगला वर्ड हमको दिया गया है एब्रोग्रेट, इसके ऑप्शन दिए गए हैं रिवाइव, अबोलिश, कन्फर्म और कंडेमनेबल। एब्रोग्रेट का मतलब होता है समाप्त करना या मना करना, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, अबोलिश का मतलब समाप्त करना, कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना और कंडेमनेबल का मतलब होता है निंदनीय। तो इसका आंसर हो जाएगा अबोलिश, समाप्त करना। अगला वर्ड हमको दिया गया है आर्टिफैक्ट, इसके ऑप्शन दिए गए हैं सिंथेटिक, मैनमेड, नेचुरल और एग्जैक्ट कॉपी। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है मानव निर्मित या विरूपण साक्ष्य, सिंथेटिक का मतलब है कृत्रिम, मैनमेड का मतलब होता है मानव निर्मित या कृत्रिम, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक या स्वाभाविक, एग्जैक्ट कॉपी का मतलब होता है सटीक प्रति या नकल। मैनमेड इसका आंसर हो जाएगा मानव निर्मित या कृत्रिम। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो का आगे शेयर करें और इन सभी सिनोनियम्स की PDF पाने के लिए
कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि हम आपको सभी सिनोनिम्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।